गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। कई बच्चों ने मेरे को कमेंट्स करके पूछा कि सर हम MBA करना तो चाहते हैं पर अभी तक ये नहीं पता कि हम किस फील्ड में MBA किए, हम MBA कैसे चूज करें। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि आपको कौन सा फील्ड जो है वो चूज करना चाहिए। सबसे पहला आपके पास आता है इसके अंदर फाइनेंस। MBA फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे जैसे देश बढ़ेगा देश में पैसा बढ़ेगा, और जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी एक फाइनेंशियल मैनेजर की। यानी कि जो बंदा MBA करता है फाइनेंस के अंदर उसका यूं भी स्कोप बढ़ जाता है। वैसे हर कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो क्या सोचता है कंपनी कि यार मेरे पास इतना सारा पैसा आ रहा है, इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस पैसे को कहाँ पे वापस से यूटिलाइज करना है, हम कैसे पैसा और कमा के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ये सब एक फाइनेंशियल मैनेजर का रोल होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर की नीड हर कंपनी को होती है। तो एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई क्या कि सर फाइनेंस का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो आप MBA फाइनेंस में चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, बैंक के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत होती है, आप बैंक के अंदर भी नौकरी ले सकते हैं। तीसरा, आप शेयर मार्केट के अंदर भी आराम से काम कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं अगर आपने फाइनेंस चूज की। तो देखिए कितना सारा स्कोप है फाइनेंस के अंदर। आपके दिमाग में 100% ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं जॉब करता हूँ बींग MBA फाइनेंस करके तो सर मेरे को कितना पैकेज मिलेगा। वैसे इसका मिनिमम पैकेज तो 9 लाख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा पैकेज होगा, तो आप MBA फाइनेंस चूज कर सकते हैं, इट इज़ अ वाइज डिसीजन। आते अपन सेकंड की तरफ, मार्केटिंग। देखो आज के टाइम में मार्केटिंग का बड़ा अच्छा जमाना है। आप देखेंगे कोई भी कंपनी को अगर प्रोडक्ट बेचना है तो उसको मार्केटर की जरूरत होती है, एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाए, और वो काम होता है मार्केटिंग वाले बंदे का। तो आप चाहें तो मार्केटिंग भी चूज कर सकते हैं। मार्केटिंग का मिनिमम पैकेज थोड़ा सा कम होता है, 7 लाख से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर इंसेंटिव्स अच्छे हो जाते हैं, जैसे कमीशन मिल सकता है आपको, आप प्रोडक्ट बेचोगे तो और ज्यादा आपका जो सैलरी वो बढ़ता चला जाएगा। मार्केटिंग भी एक अच्छा डिसीजन है अगर आप MBA मार्केटिंग करते हो तो। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, आज के इस टाइम में मार्केटिंग की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा क्यों है, क्योंकि आजकल नए अपने पास कोर्सेज भी आ गए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटर। आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटर की आज के डेट पर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, आप चाहो तो वो फील्ड भी चूज कर सकते हो। तो मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। हर कंपनी के अंदर अगेन मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट या मार्केटर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। थर्ड आता है आपके पास HR, ह्यूमन रिसोर्स। अब इन सब लोगों को चूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, इन सबको ट्रेंड करने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए ना, तो इस केस में कंपनी हायर करती है HR। लेकिन HR में थोड़ा सा दिक्कत है, HR फील्ड बहुत अच्छी है लेकिन HR में बंदा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। पर आप टेंशन मत लो, आप जब किसी भी कंपनी में HR की पोस्ट पे जाओगे या आप HR के तौर पे जाओगे तब आपको पहले ट्रेन किया जाएगा किस तरह से रिक्रूटमेंट होता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, उस समय आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप एक अच्छी खासी पोस्ट पे लग सकते हो और कंपनी को अच्छे अच्छे ट्रेंड बंदे या स्किल्ड वर्कर्स देते हो। तो यानी कि कंपनी चाहती है कि हम एक HR वाला एम्प्लॉय रखें और उस एम्प्लॉय से हम अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट करा सकें, सिलेक्शन करा सकें, उनको ट्रेन करा सकें, और ये सारा काम HR का होता है। तो आप एक अच्छी सैलरी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो तीनों ही अच्छे बता दिए। वैसे मैंने देखो इसको पहले से ही सिंक्रोनाइज तरीके से ले रखा है, पहले मैंने फाइनेंस का नाम लिया था, तो आप जा सकते हो फाइनेंस के अंदर, जिन बच्चों की अकाउंट स्ट्रांग होती है, जिन बच्चों की इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होती है वो इसके अंदर जा सकता है, जिन बच्चों का थोड़ा सा अकाउंटिंग डामाडोल है कोई दिक्कत नहीं वो मार्केटिंग में जा सकता है, जिनका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है वो HR में जा सकता है। सर इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन एक मैं फील्ड और आपके सामने लाऊंगा। आजकल कई सारे बच्चे जो है वो इंश्योरेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो MBA इंश्योरेंस में भी कर सकते हो आप, बड़ा अच्छा इसके अंदर स्कोप है क्योंकि इंश्योरेंस में बल्क पैसा आता है, तो आप चाहो तो आप इसके अंदर इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो। लेकिन अगेन मैंने इसको चौथी पोजीशन पर रखा है, तो इसकी सैलरी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, कुछ 4-5 लाख का पैकेज लगता है मिनिमम, लेकिन अगेन इसके अंदर इंसेंटिव ज़्यादा है, कमीशन ज़्यादा है, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो सकती है। तो ये 4 मैंने फील्ड आपके सामने डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना डिसीजन बहुत अच्छे से लेंगे। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब से हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। आपको और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।